सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जिले की एक ग्राम पंचायत से असंतुष्ट ग्रामीण ने सलूम्बर जिला कलेक्टर और सलूम्बर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार सलूम्बर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत माकर सीमा में करवाए गए कार्य और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच को लेकर जिला कलेक्ट्री पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बरताराम मीना ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी मीना भवरा ने ग्राम पंचायत माकर सीमा करवाए गए कार्य गुणवत्ता पूर्वक नहीं कराए हैं। वहीं अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी बिल लगाकर भुगतान उठाए हैं। साथ ही मेरे घर आबादी में है जिसका पट्टा नहीं बनाया जा रहा है। मेरे खिलाफ सचिव द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है जिसकी जांच की मांग की है। वही इस मामले को लेकर ग्राम विकास अधिकारी मीना भवरा ने बताया कि परताराम मीना ने कृषि भूमि में पट्टा बनाने के लिए दबाव बना रहा है जबकि पंचायत द्वारा कृषि भूमि में पट्टा नहीं दिया जा सकता है। वही सचिव ने बताया कि घटिया कार्यों की शिकायत की है जो कार्य प्रगति पर है। साथ बताया कि गंगाराम पटेल निवासी करावली जो आतन शिकायत करता है जो पूर्व में भी ग्राम विकास अधिकारी की संपर्क पोर्टल पर शिकायत करता रहा है, शिकायत कर दबाव बनाकर पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। इस मामले को लेकर थानाधिकारी गिंगला ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी मीना भवरा ने थाने में रिपोर्ट दी कि उक्त व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया ग्रुप में मैसेज वायरल कर उसे बदनाम किया जा रहा है जिसको लेकर थाने पर बुलाने को लेकर कॉल किया था। माकड़समा से जो सीसी रोड घटिया सीसी रोड निर्माण कार्य जो मीना भवरा सचिव ने जो कार्य कर रही है जो हमारे शमशान घाट और सीसी रोड मॉडल तालाब ये सबके बजट जो फर्जी बिल लगा के ने ये पेमेंट उठा रही है और आए दिन यहाँ घटिया काम हो रहा है जो एक इंच भी माल ने डाल रहा ग्रेवल और बिल्कुल फीका माल डाल रही है। इसकी वजह से हमने वहाँ सीसी रोड पर जाके हमने जो वहाँ रोकने की कोशिश की और पूछा उसको तो उसने वापस थानेदार के हमारे मामले के खिलाफ रिपोर्ट दी है। तो इसमें थानेदार की क्या जरूरत है बीच में आने की, हम तो वहाँ जांच कराने के लिए पूछ रहे और कलेक्टर साहब एसपी साहब को ये रिपोर्ट दी है तो बीच में थानेदार आने की क्या जरूरत है यहाँ पे। तो कौन से थाने का थाना अधिकारी आया? जिला थाना अधिकारी का ये मामला है। तो उनको फोन किसने किया? उसको मीना भवरा ने फोन किया और रिश्वत दे के उन लोगों को। नहीं, मीना भवरा कौन है? मीना भवरा सचिव है। सचिव है जी। अच्छा, उस गांव का सचिव है? कौन से गांव का सचिव है? ये सचिव है, ये खेराड़ के पास में कोई है, बसी गांव की है, थान सिंह एमएलए की बेटी है। अच्छा, थान सिंह एमएलए की बेटी है, मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सके कोई, और मैं एमएलए की बेटी हूँ। मेरा एमएलए कौन से, कांग्रेस के बीजेपी के? ये कांग्रेस का एमएलए और ये बोलती है मैं थान सिंह एमएलए की बेटी हूँ, मेरे कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सके। अच्छा, और क्या समस्या आपके वहाँ? और हमारे यहाँ समस्या ऐसी है कि 10 साल से ये ड्यूटी इसने झुंड की है, जब से हमारे कड़ी से कड़ी इसकी बिल्कुल पूरी पंचायत की डिटेल जांच की जाए कि वास्तविक में काम कितना हुआ है कि नहीं हुआ और फर्जी बिल कितना लगा के पेमेंट उठाए। अच्छा, ग्राम पंचायत कराली में भी उसने कई फर्जी बड़े कर रखे, 2019-18 में कई फर्जी बिल लगाए, भुगतान उठा दिया। आज दिन तक मेरे खुद का मैंने निर्माण कार्य करवाया ग्राम पंचायत में, इस मीना भवरा ने मेरा कई पेमेंट अटका के रखा, अभी तक मुझे आपका भुगतान नहीं मिला। आपका कार्य? मैं करावली ग्राम पंचायत करावली में भी ये पहले आई थी 2019-20 में, जिस टाइम से अभी तक मुझे करावली बिल से भुगतान नहीं हुआ है। अच्छा, वहाँ से वापस ट्रांसफर करा के माकड़समा ये लंबे टाइम से रह रही है। अच्छा, में खाली एक साल के लिए आई थी। अच्छा, और उसमें कई घोटाला करके भाग गई, आज दिन तक कोई खुलासा नहीं हुआ माकड़समा में। इतना घोटाला किया कि कोई सीमा नहीं है और ये बिल्कुल इसके पास अरबों सरबों की इसके पास संपत्ति हो गई है और ये पैसा कहाँ से लाए इसके पास? ये सचिव है, एक सचिव की ड्यूटी करती है और इतना पैसा। तो आज आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया तो कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने तो बोला कि भाई ये मीडिया और मैं स्वयं जानकारी करूँ, इसकी जांच करूंगा। कलेक्टर साहब ने कहा मैं स्वयं इसकी कार्रवाई करूंगा।